औस बिल्लाह मिन शैतवान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजी सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएं, आमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में अनार को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे ख्वाब में अनार को देखने के हवाले से। ख्वाब में अनार देखना माल और दौलत जमा करने की अलामत है। ख्वाब में पका हुआ मीठा अनार खाना कसरत से माल मिलने की अलामत है। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कसरत से अनार देखे जाएं तो अनार की ताबीर हर चीज़ को जमा करने से भी देते हैं और गैब से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रिजक अता फरमाते हैं। ख्वाब में अनार को दरख्त से तोड़ कर खाना हसीन औरत मिलने और माल मिलने की बशारत और खुशखबरी है। ख्वाब में अनार दाना देखे यानी दानेदार के देखना है तो आसानी के साथ रिजक मिलने की अलामत है। इसकी अक्सर ताबीरें अनार के साथ जुड़ी हुई हैं। ख्वाब में अनार का फूल देखना पाकीज़ा और उम्दा दुल्हन मिलने की अलामत है। ख्वाब में अनार का दरख्त पौधा या फिर पेड़ देखना नौकरानी मिलने या फिर बीवी हामला होने की अलामत है। ख्वाब में खट्टा तुरश बदमज़ा अनार खाना काम में नाकामी होने रंजो गम और परेशानी की अलामत है। सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब में अनार का बाग फलदार देखना दौलत और अख्तियारात हाथ में आने और कारोबार में तरक्की और आराम पाने की अलामत है। मौज़ सामिनो कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामे नासर हों। जज़ाकल्लाह।